नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टोर उपाध्याय। अब लोग किसान नेता राकेश टिकैत को धमकियों के सरदार और किसानों को बरगलाने वाले गुट का मुखिया कहने लगे हैं, क्योंकि अब राकेश टिकैत की एक आदत सी हो गई है कि उन्हें किसी ना किसी बात को लेकर सरकार को धमकी देनी है, जिससे वो किसानों के नाम पर खुद को चमका सके। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भय भी है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो भी देश विरोधी हरकतें हुई उनमें उनका भी नाम सामने आ रहा है। उन्हें एक्शन का डर है, क्योंकि उन्होंने ही ट्रैक्टर रैली से पहले किसानों को भड़काते हुए कहा था कि वो लाठी डंडे सब लेकर साथ आए। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार, अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रख यो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस। अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। लेकिन जब लाल किला पर हिंसा हुई तो उन्होंने इस घटना की जिम्मेदारी दूसरों पर थोपनी शुरू कर दी। इसके बाद घड़ियालू आंसुओं के जरिए माहौल को बदल कर रख दिया, यानी कि पहले तो राकेश टिकैत सरकार को धमकाने और किसानों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही उन पर एक्शन की आंच आती है तो वो डरते हुए विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहते हैं कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन गुनाहों का हिसाब जरूर होता है। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से धमकी दी है कि अगर सरकार ने ज्यादा परेशान किया तो किसान अपनी खड़ी फसल में आग लगा देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगली बार किसान कृषि औजारों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। खैर, किसान अपनी फसल जलाएगा तो उससे राकेश टिकैत पर क्या फर्क पड़ेगा, वो जनाब तो करोड़पति हैं। तो राकेश टिकैत के इस भड़काऊ बयान पर किसानों ने भी तगड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राकेश टिकैत ही अपनी फसलों को जलाएं, हम क्यों जलाएं अपनी फसल। ये सब देखकर अब राकेश टिकैत ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब किसान भी उनसे नाराज होने लगे हैं और उनके भड़काऊ बयान किसानों को कतई भी पसंद नहीं आ रहे हैं। इसलिए अपने बयान से पलटे राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान फसल को बर्बाद ना करें, फसल राष्ट्र की संपत्ति है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि मेरा संदेश है कि फसल को कोई बर्बाद ना करे, फसल को काटें, अगर स्वयं काटने के हालत में नहीं है तो गांव के मजदूरों से कटवाएं, अन्न को बर्बाद ना करें, अन्न अकेला मेरा नहीं है, अन्न देश का है। अब आप समझ गए होंगे कि राकेश टिकैत कितने पलटू मार हैं। इसका कारण है कि किसी भी तरह से किसान आंदोलन को जिंदा रखना है और खुद को कानूनी डंडे से बचाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत किसानों के लिए भस्मासुर बनते जा रहे हैं, इसलिए किसान भी आंदोलन से दूरी बनाते जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।